के साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू में आर्मी बेस पर फायरिंग हुई कल सुंजावा मिलिट्री बेस पर। ये फायरिंग हुई, बेस के बाहर से ही फायरिंग की गई। आतंकियों के फायरिंग में एक जवान शहीद हुए हैं। सुंजावा बेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है। सुबह सवेरे सुंजावा आर्मी बेस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। बेस के पास तैनात एक जवान गोलीबारी में घायल हुए पहले, उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और यहां पर इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सुंजावा में कल हमला किया गया जिसमें एक आर्मी के ऑफिसर जो है वो शहीद हो गए, एक जवान शहीद हो गए। सुंजावा आर्मी बेस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। बेस पर तैनात एक जवान गोलीबारी में घायल हुए जिनको बाद में मृत घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हलचल रुक नहीं रही है। एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमला किया है। दरअसल जम्मू रीजन के सुंजावा आर्मी बेस पर आतंकवादियों के हमले की खबर सामने आई और यहां पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर अचानक बेस के बाहर से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। आतंकियों के इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। वहीं आतंकियों की इस नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना फौरन अलर्ट हो गई और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया गया। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मौके से भागे आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों को पता लगाने के लिए ड्रोन टीम्स भी लगी हुई है। इससे पहले पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ कई बार भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कई आतंकी मार गिराए गए हैं। तो सुंजावा आर्मी बेस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया है जिसके आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और ये सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो चुका है क्योंकि देखिए यहाँ पर दहशत का माहौल बनाने की पूरी कोशिश जो है आतंकवादियों की लगातार जारी है और एक के बाद एक जिस तरीके से वो अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं उनको ध्वस्त भी। सेना के तमाम जो फोर्स वहाँ पर तैनात है, जो जवान वहाँ पर तैनात है, वो एक के बाद एक इनके इन इरादों को ध्वस्त करती जा रही है और हर इनकी हरकत को वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है जैसे ही ये अपनी हरकत को अंजाम देना शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के सुंजावा आर्मी बेस के पास फायरिंग की खबर आई और ये बताया गया कि आर्मी बेस स्टेशन में आतंकवादियों द्वारा बेस के बाहर से गोलीबारी की गई जिसमें एक सेना का जवान जो है वो शहीद हो गए। अपराधियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान अभी जारी है। सेना ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर, जिस तरीके से कल बेस के बाहर से फायरिंग की गई थी उसके बाद से? देखिए, कल फायरिंग हुई और उसमें सेना के एक जवान की शहादत हुई, कुलदीप सिंह जिनका नाम था, पंजाब के रहने वाले थे। उसके बाद जो है उस वक्त काफी गहमागहमी थी। वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जो है उन्होंने कॉर्डन ऑपरेशन लगाकर सर्च शुरू की थी। मगर आपको बताऊं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जब सैन्य ठिकाने पर जो फायरिंग हुई थी उसमें सेना ने जो है कहा है कि आतंकी हमला नहीं है, ये फायरिंग हुई है जिसमें एक जवान की शहादत हुई है। उसके पीछे की क्या वजहात रही उस चीज को लेकर अब जांच हो रही है और सर्च ऑपरेशन जो है अब थम गया है, मगर जांच अभी भी चल रही है कि आखिरकार ये किस तरह से हुआ, किसने ये फायरिंग की जिसमें सेना के एक जवान की शहादत हुई। शहर के बिल्कुल साथ सटे आउटर जम्मू में जो सुंजावा जो सैन्य कैंप है यहाँ पर कल फायरिंग की घटना के बाद जो है पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और खासतौर पे जब सेना पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उस वक्त काफी पैनिक हो गया था। और मगर देर शाम जो है सेना की तरफ से इस चीज का एक क्लैरिफिकेशन निकाला गया कि ये एक आतंकी हमला नहीं है बल्कि फायरिंग इंसिडेंट है जिसमें एक सेना के जवान जो है वो जख्मी हो गए थे, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया मगर तब तक देर हो चुकी थी और उनकी जान इसमें चली गई है, उनकी जान चली गई है जिसके बाद जो है ये सारा सिलसिला जो है शुरू हुआ था। अब इस चीज को लेकर जांच हो रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस चीज को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये फायरिंग हुई, किसने फायरिंग की और क्या जो है जिसमें सेना के एक जवान जख्मी हो गए।
बिल्कुल जी, बड़ा अपडेट है कि आतंकियों का हमला नहीं बताया जा रहा है, और अब ऐसे में चिंता और भी बढ़ जाती है कि आतंकियों के द्वारा बेस पर ऐसा हमला नहीं किया गया तो हमला किस तरफ से किया गया है जिसमें एक जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा इलाके में भी काफ़ी दहशत देखी गई, जिस तरीके से आप कल ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट कर रहे थे, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में लेने के लिए पहुँच जाते हैं, फायरिंग की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, फिलहाल कैसा माहौल उस पूरे इलाके में देखा जा रहा है? देखिए, अभी भी आम लोगों में इस चीज़ को लेकर, कल के इंसिडेंट को लेकर जो है चीज़ें साफ नहीं थी, मगर कल शाम को जब वहां पे सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया गया, सेना और पुलिस जहां वहां पे जो थी उनको विड्रॉ किया गया वहां पे, क्योंकि जो सेना का कैंप है उसके बाहर जो है एक पूरा रिहायशी इलाका है, और डोर टू डोर सर्चिज जो है वो शुरू हो गई थी, पूरे इलाके में लोगों की मूवमेंट को बंद कर दिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफ़ी पैनिक था। और लोग क्योंकि ये जो सुंजवा सैन्य ठिकाना है इसके भीतर भी दो स्कूल हैं, और उन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक जो हैं वो इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि आखिरकार अगर वहां पर आतंकी हैं तो यकीनन उनके लिए एक बड़ा परेशानी का सबब था, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल में ही थे, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशानियाँ उस वक्त थी। मगर जब ये चीज़ें हुई उसके बाद जो हैं शाम को देर शाम जो है क्लैरिफिकेशन आई, उसके बाद जो है उस ऑपरेशन को खत्म किया गया, मगर यकीनन एक जांच का विषय कि फायरिंग कैसे हुई, क्या वो सुसाइड जवान ने किया है जिसके बाद फायरिंग की आवाज सुन के वहां पे दहशत हुई, या फिर कई आपसी रंजिश के चलते कुछ ऐसा हुआ, तो ये तमाम चीजें जो हैं आप जांच का विषय हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, आतंकी इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, और चुनावों के दौर में अगर इस चीज का वाकया फायरिंग इंसिडेंट सेना के कैंप के पास होता है तो यकीनन पहली जो चीज नजर में आती है या पहली जो प्रतिक्रिया आती है उसमें यही कहा देखा जाता है कि शायद ये आतंकी हमला हो सकता है। और सैन्य ठिकाने सुजवा की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले भी दो तीन बार जो है आतंकी